ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं, नीतीश कुमार भी यही काम कर रहे हैं और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव भी इसी अभियान में हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही चाहती है और शरद पवार भी, लेकिन विपक्ष है कि एक साथ आने को तैयार ही नहीं है। विपक्ष को एकजुट करने से पहले शरद पवार को अपनी एकजुटता दिखाना जरूरी था, क्योंकि चाचा भतीजे का जो खेल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच चल रहा है, कुछ वैसा ही एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रहा है। एनसीपी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में मंच सजा, पार्टी से सारे बड़े नेता हाजिर हुए, लेकिन खेला ऐसा हुआ कि अजीत पवार महफिल से उठकर चले गए और अंत तक वापस नहीं आए। उनके पीछे पीछे मनाने के लिए सुप्रिया सुले दौड़ी, लेकिन बात नहीं बनी। प्रफुल्ल पटेल अंत तक कहते रहे कि वे आ जाएंगे, आ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार नहीं लौटे। वजह यह कि सभा में शरद पवार के बाद अजीत पवार को संबोधित करना था, लेकिन उनसे पहले जयंत पाटिल संबोधित करने मंच पर पहुंच गए। यही बात अजीत पवार को चुभ गई और वे नाराज होकर चले गए। गौरतलब है कि एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुए इस ड्रामे ने एनसीपी की एकता की पोल खोल कर रख दी और यह साफ हो गया कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल यह कहते रहे कि अजीत पवार वॉशरूम गए हैं, जल्द ही आएंगे। यह पल शरद पवार के लिए हैरत और दुख दोनों से भरा हुआ था। मंच पर इस तरह की बेइज्जती का एहसास शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा, वे भी अपने ही भतीजे की वजह से। खैर, ऐसी अनुशासनहीनता अजीत पवार इसके पहले भी कर चुके हैं। अजीत पवार का मंच से इस कदर चले जाना महाराष्ट्र की सियासत में अब आम जनता के लिए कचहरी का एक नया मुद्दा बन चुका है। कल तक जो लोग राज ठाकरे और बाल ठाकरे, चाचा भतीजा और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट पर चर्चा करते हुए नहीं थकते थे, अब वो राज्य के दूसरे चाचा भतीजा यानी अजीत पवार और शरद पवार की जोड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। अजीत पवार के मंच से जाने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की, एक तरह से यह उनके समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी था। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी अजीत पवार को मनाने की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी गई। वो अजीत पवार के पीछे गई भी, लेकिन बात नहीं बनी। महाराष्ट्र की सियासत में यह बात किसी से नहीं छिपी कि एनसीपी दो धड़ों में बटी हुई है, जिसमें एक धड़ा सुप्रिया सुले का समर्थन करता है तो दूसरा अजीत पवार का। जयंत पाटिल भी विरोधी खेमे के माने जाते हैं। शरद पवार की ही तरह महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता। शरद पवार और सुप्रिया सुले के खेमे में जितेंद्र अहवाड़, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल जैसे कद्दावर नेता हैं, तो अजीत पवार को मनाने वाले धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे जैसे कई नेता हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता है कि एनसीपी में शरद पवार के बाद अजीत पवार जैसा कोई मास लीडर नहीं है। इसके पीछे उनकी कार्यशैली है। राज्य में हर कोई जानता है कि अजीत पवार सुबह 6 बजे से ही काम में जुट जाते हैं और देर रात तक काम करना, लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलना उनकी आदत में है। उनकी यह विशेषता उन्हें पार्टी में दूसरे नेताओं से अलग करती है। अजीत पवार की कार्यशैली की तारीफ सदन में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।